हेलो दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में मौसम में हलचल, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट है। तो झारखंड में कहां पर कितनी बरसात होगी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे झारखंड के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है और बताया जा रहा है कि यहां पर सिमडेगा समेत कई जगहों पर भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। पहले सप्ताह में हो रही अच्छी बरसात से किसानों के चेहरों पर जो है खुशी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। इसी दौरान उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बरसात दर्ज की गई है। सबसे अधिक 113 मिलीमीटर बोकारो में रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, आपके यहां पर बरसात हुई या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। अगले दो दिनों के दौरान और भी ज्यादा जोरदार बरसात को लेकर अलर्ट जताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से झारखंड में मूसलाधार बरसात हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ही ज्यादा बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों तेज हवाओं के साथ भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट है और मौसम में ठंडक भी देखने को मिलेगा। साथ में भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में अलर्ट भी देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव जारी है। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा समेत कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पलामू, चतरा, सरायकेला, खरसावां, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, गढ़वा और गुमला, लातेहार जिले में कुछ भागों पर इसका असर देखने को मिलेगा। अच्छी बरसात के साथ बिजली चमकेगी और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। वही दोस्तों, मौसम विभाग की मानें तो यहां पर एक एक जिले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें बादल छाए रहने वाले जिलों की, तो गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकने वाले जिलों की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो, इन सभी जिलों में सर्वाधिक बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। येलो अलर्ट वाले जिलों की बात की जाए तो यहां पर पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और साथ में रांची, इन जिलों में दोस्तों येलो अलर्ट है। बरसात की गतिविधियों के साथ येलो अलर्ट जारी रहेगा। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और झारखंड का मौसम मिला जुला रहेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा। वही दोस्तों, झारखंड मौसम विभाग की माने तो अलर्ट को देखते हुए सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने, पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहने की सलाह दी गई है। बिजली के पोल से दूर रहे किसान, अपने खेत में नहीं जाए, मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। इसी के साथ दोस्तों, भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन भी है। तेज हवाओं के साथ झारखंड में भारी बरसात और आकाशीय बिजली गिरने के कारण पिछले 24 घंटों में दोस्तों जो है एक व्यक्ति की, बताया जा रहा है कि कम से कम दोस्तों रांची समेत एक व्यक्ति की जो है जान चली गई और कई जगहों पर घायल भी हुए, कई जगहों पर जान माल का खतरा देखने को मिला। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है कि लोगों की जान तक चली गई बिजली गिरने के कारण। आप भी दोस्तों कमेंट में ओम शांति जरूर लिखेगा। और झारखंड में जबरदस्त बरसात हो रही है। यहां पर 24 घंटों के दौरान लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ में भारी से भारी बरसात की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा अन्य जिलों में जैसे कि पलामू, गढ़वा, खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, सिमडेगा में और चतरा में भारी बरसात का अनुमान है। वही दोस्तों, अन्य जिलों में सामान्य से बरसात हो सकती है और बारिश के साथ साथ वज्रपात की आशंका जताई जा रही है। और लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार जिले में भारी बरसात की संभावना और अन्य जिलों में सामान्य से अच्छी खासी बरसात होगी। कई जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम विभाग ने लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा के कुछ हिस्सों में भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। और रांची समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और मौसम में ठंडक भी जरूर देखने को मिलेगा। आप झारखंड में कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों, एक एक जिले की बात किया तो लोहरदगा में रात के समय 23-24, दिन में 26-27, 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो लातेहार में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। वही दोस्तों, कोडरमा में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। यहां पर खूंटी में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ जामताड़ा में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। हजारीबाग में 4 से 5 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है।
सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जो है गुमला का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम मिला जुला रहेगा। वही दोस्तों यहां पर गोड्डा का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात की गतिविधियां जारी है। अगले चार दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों गिरिडीह का मौसम बदलेगा, चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। गढ़वा में दो दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। पूर्वी सिंहभूम में तीन दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। दुमका में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और चार दिन भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। वही दोस्तों धनबाद में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। देवगढ़ में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। बोकारो में तीन दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों चतरा में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। यहां पर सिमडेगा में तीन दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों खरसाओं में मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा और कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। सरायकेला में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। यहां पर साहिबगंज में पूरे चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी, चार दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जो है ना रांची का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, चार दिन रांची में भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे रामगढ़ में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जो है ना पलामू का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे पाकुड़ में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। यहां पर दोस्तों पूरे झारखंड का मौसम बदल रहा है, बदला सा नजर आएगा, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ झारखंड का मौसम मिला जुला रहेगा। तो यह था पूरे झारखंड का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप झारखंड में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना।